गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो भी स्वागत है रजिंद्रा टी ब्लॉग में। आप देख रहे हो ये हस्बैंड जी आ चुके हैं फरुखाबाद भंडारे में से, और अभी थोड़ा सामान वगैरह उतार रहे हैं। सुबह सुबह 8:30 बजे करीब बस आ गई थी। पहले इन्होंने फ़ोन कर दिया था क्योंकि रात को 10:30-11 बजे करीब वहाँ से चली थी, तो पूरी रात सफ़र किया सब ने और सुबह सुबह पहुँच गए, क्योंकि रात का सफ़र ऐसा होता है बहुत अच्छे से कट जाता है। तो सुबह सब अपने घर पहुँच गए हैं आराम से। लो भाई, हस्बैंड जी से ना मैंने फरुखाबाद से पपड़ी मंगवाई थी, ये आलू के साथ खाने वाली। आलू हमने घर पे ही बॉईल कर लिए थे क्योंकि ख़राब हो जाते, तो वहाँ से बनी बनाई पपड़ियाँ मंगवा ली थी। और मुझे बहुत पसंद है आलू चाय के साथ पपड़ी खाना, तो हस्बैंड जी पैकिंग करवा के ले आए थे। अब आराम से एक आधी बजे जब मन करता है इनको रख लेती हूँ उठा के, तब खा लेते हैं। और ज्योति पूजा कल गए थे ना ये, मेरा कुछ सामान लेने के लिए गए थे, थोड़ा और सामान लेके आए, तो लकड़ी मार्केट से ये लेके आए मेरे लिए खाना खाने के लिए। रुड़की से क्या क्या लेके आओगे? चिप्स, खाना का सामान तो यही मिल जाएगा। कुछ और स्पेशल लेने जा रहे हो क्या? क्या लेने जा रहे हो बताओ? चलो पंखा बंद करो बेटा। हैं? नहीं पता आपको? फिर तो वो झूला लेने जा रहे हैं। झूला? शानू आप क्या लेने जा रहे हो? बाल पीछे कर लो, बोलो। बुक्स लेने जा रहे हो ना? चलो लो भाई, आज ना अक्षित और शानू की बुक्स आएंगी नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि 4 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। और फिर पूजा अपने घर जाएगी और रजत को टाइम नहीं मिलता है, रजत ड्यूटी पर रहता है, शाम को आता है। फिर भी जाना तो पूजा को हमारे साथ ही होता है, तो इसलिए सिलेबस वगैरह सारा काम निपटवा दूँ पूजा का, फिर बार बार में इसने आना ना पड़ेगा दुखी होने खातर, है ना शानू। इसकी सब बुक्स आ जाएंगी, अक्षित की भी ले आएंगी, दोनों जने मिल गए ठाली हैं। जरा ये देखो, दो दोनों के दोनों। पता है रात को खाना खुना खा के थक के सो गई थी सुबह फ़ोन चलाने के लिए। सुबह उठी, उठते ही खाना खाया, नाश्ता किया, फिर फोन चलाना शुरू कर दिया। भाई बहुत काम करती हूँ, शुरू कर दिया ना उठते ही अपना काम। तो अब मैं इनको ना भेज रही हूँ, 1:30 बज गया। मैंने इनको बोला है कि ना कह बाहर का न लेकर चले जाओ, सामान ले आओ, स्कूल का सारा बैग वैग पैक करवा दे, फिर आपकी कवर भी चढ़ा होगा। ठीक है, चलो उठ जाओ भाई। शानू बैग तो आपका आ गया था, बुक्स लानी है ना बस। ठीक है, इधर दिखाओ बाहर। मेरा मन कैसे लगेगा जब आप चले जाओगे? बोलो बोलो। नहीं आप अपने घर रहोगे, आप अपने पापा के पास। बोलो। आप तो जब कनू नहीं होती तो रोज बुलाते रहते। कनू नहीं होती जब रोज बुलाती रहती हूँ। ठीक है, जल्दी रेडी हो जाओ फिर, चलो जाओ भी अपने घर। लो भी सब उठ गए हैं हम तो, और सब जने जो भंडारे में से आए सब नहा के सो रहे हैं, खाना खुना खा के सब जने। मम्मी अपना सामान निकाल रही है, जो भी अपने पैकिंग का सामान था निकाल रही, कपड़े वगैरह धोएंगे। अक्षित भी बहुत थक गया, पापा जी भी सब नहा के खाना खा के मतलब के नाश्ता करके सब सो रहे हैं, और मम्मी रहती है अभी, मम्मी नहाने जाएंगी। सब काम निपट गया है, हम भी एक एक करके नहा रहे हैं और ज्योति पूजा जा रहे हैं आज रुड़की बच्चों का सामान लेने। मैंने कहा इनका काम कंप्लीट करवा दो भाई, मेरे से तो कहीं जाया नहीं जाएगा, तो तब तक आज तो पूरा दिन ये रेस्ट ही करेंगे। और बच्चों को मैं भेज रही हूँ रुड़की, 2 बज गया, अब लंच बना रही हूँ मैं इनका सबका, क्योंकि सुबह ही सब ने जो है नाश्ता अपने पसंद का किया था, तो मैंने कह दिया था कि अब दोपहर में खिचड़ी बनाएंगे, तो मैं ये बना रही हूँ खिचड़ी।
क्योंकि पापा जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो पापा ने कहा कि मेरा सब परहेज का बनाओ खाना, कोई भी ऐसा मत बनाना ऑयली हो कुछ भी। तो मैंने देसी घी में थोड़ा सा जीरा, हींग और मेथी डाल के खिचड़ी छोंक दी है। बहुत ज़्यादा पतली खाते हैं हमारे घर पे खिचड़ी, बच्चे भी पापड़ के साथ ऐसे, तो इसलिए हम ज़्यादा मतलब पानी डाल के खिचड़ी बनाते हैं। सिट्टी मरवाएंगे इसमें कम से कम 5-6 सिट्टी, और बहुत पतली खिचड़ी बने। कल रात को ना ज्योति पूजा पाव भाजी लेके आए थे, तो मैंने तो थोड़ी सी खाई थी पाव भाजी, और बाकी बच गई थी पाव ले आए थे, भाजी थोड़ी एक्स्ट्रा ले आए थे, खाली सूखे पाव ले आए थे पैकेट। तो मैं गुड़िया को सेक के दूंगी पाव। गुड़िया बोल रही थी मम्मा मैं पाव भाजी खाऊंगी, मैंने कहा चलो मैं पाव सेक देती हूँ आपके और भाजी गर्म कर लो आप ओवन में। तो भाई बच्चों का भी फेवरेट पता नहीं क्या क्या रहता है, कोई कुछ खाता है, अलग अलग डिमांड रहती है मेरे घर में। बस सारा दिन मैं इसी काम के लिए रहती हूँ, बच्चों का खाना पीना, बच्चों की देखभाल, और साथ के साथ मैं यूट्यूब पे काम कर लेती हूँ अपना, बस और मुझे कुछ काम नहीं। अपनी ज़िंदगी का मोटिव यही है सबको पेट भर के खाना खिलाना बढ़िया सा, बच्चों की अच्छी देखभाल करनी और सबका ख्याल रखना, घर की देखभाल करनी। लो भाई रेडी हो गए बच्चे, देख लो छोटे छोटे बच्चे सब नहा के रेडी हो चुके हैं क्यूट क्यूट से, अब इनका जाने का टाइम आने वाला है। हस्बैंड जी को देख लो भाई उठ गए हैं और बोल रहे हैं कि लिया क्या बनाए खिचड़ी विचड़ी। मैंने कहा पहले तुम्हारी पिटाई कर दूँ, बहुत दिनों बाद मिले हो, मुक्के मारूंगी मैं तुम्हें। बोले और मार ले, कितने मारेगी, मैं नहीं थकने वाला हूँ। और बच्चे कूद रहे हैं, मौसा की पिटाई हो रही है, इतने दिनों बाद मिले हैं इसलिए। बच्चों को देखो एक्साइटेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए रुड़की। भैया आ गए, खुश हो गई शानू भैया आ गए हैं। देख लड़ाई मत करो आते ही। अक्के ना लो बेटा ठीक है, पतले से हो गए अक्षित है, मच्छर भी खा रहे इसके हाथ पे देखियो। नाले जल्दी सब जा रहे हैं आपके सिलेबस लेने, जो पुरानी बुक्स है ना दीदी की, जो सेवंथ की वे ले जाइए, चेक कर लिए वहां पे जो जो मिलेंगी वे वापस ले आना। लिस्ट तो आई, कई बार बुक चेंज हो जाती है ना, है ना आपकी। और जल्दी ना, खिचड़ी पहले खा रहा है क्या? तो दीदी लूंगा मैं। खाने में क्या खा रहे हो? बुक्स नहीं। ये तेरे मौसा तो दिया बाहर, तेरी लगा दो इसमें थाली में। पानी है कोल्ड ड्रिंक बनाया। देखो भैया तो सब रेडी हो गए, बुक्सा की कदर भी कर लो, ऊपर दर दे एक, इसने देख लो चश्मा लाए बैठी है, वे गड्डी ठा ले, इधर दिखा दे पूरे। हाँ देखिए अक्षित खातर इसकी मौसी बाली ले आई कान की, या इसकी खुल है बार बार में ये भी इसने। हाँ पागल हो रहा है, इबिस ना बदलवा के दूसरी बनवाऊंगी। इबिस की दिखाई पूजा की साड़ी डिजाइन लाई, छोटी सी लाई है ना, मैं ना ले रहा पैर ले जल्दी से, ये रुपया धर दे। बढ़िया अगर कपड़ा दिए तो देख लियो, 8th की है ना। देखो भैया अक्षित की तो पुरानी मिल गई बुक्स, गुड़िया की मैंने संभाल के अंदर रखी थी, उल्टी पर आई है पूजा। पीछे की तरफ से तो बंद हो गई, दिखाइए देख, इतनी बुक्स काट ली सारी, ले जा एक थैली में डाल के चेक कर ले कितनी नई की नई पड़ी है, जो कुछ ना मैच करे ना वो तो ले लिए नहीं, और जो सेम टू सेम हो ना नहीं लेने की एक भी जरूरत ना है, सारी चली बच जाएंगी। और अक्षय
बुक है बुक तो स्कूल में जमा करा दे। कहाँ से फट रही है? कवर फट रहे हैं। दिखा दिखा कहाँ से फट रही है? दिखा दे। रोटी खाओगा दर का है देखना तो सही तो है उसके वो लिख रखी आंसर जो मैडम ने लिखवाए हैं। तेरे की दिक्कत हो रही है? लो भैया तो सब रुड़की जा रही अपनी बुक्स वगैरह का किट है किधर पे है? और अपना जो सामान ले आई मैं दोबारा नहीं भेजूंगी बिल्कुल भी। पहले ही बता रही हूँ चाहे गिड़ गिड़ आ लिए याद रखिए। सिलेबस ले आ कितने सिलेबस कितने है पापा फोन सिलेबस लिया नहीं है मूर्ख सा। देखियो क्या कर दिया यो क्या कर दिया यो वहाँ पे। लो भाई देखो हस्बैंड जी प्रसाद जिस जिसको प्रसाद देना है भंडारे का वो दे रहे हैं। ये पैक कर दिए देखो सामान जिन जिन को देना है भंडारे में से आ गए हस्बैंड जी और प्रसाद भी लेके आई है भंडारे का। तो ये सब वहीं से मिला था जैसे अपने जानकार हैं जो भी रिश्तेदार हैं भाई भंडारे में जो भी चूगा पानी बनता है वो ग्रहण करने के लिए। ये सब देखो कितने अच्छे अच्छे बालूशाही मिठाई लड्डू जलेबियाँ तो ये सब पैक हो चुका है यहाँ पे देखो सब अब देना है। लो भाई थोड़ी सी ना भंडारे की क्लिप यहाँ पे ऐड कर देते हैं आप सभी भी देख लो। हस्बैंड जी 7-8 दिन जो लगे वहाँ पे सत्संग के काम में तो यहाँ पे अभी देखो सब भगवान का मालिक का नाम ले रहे हैं बैठ के रात के टाइम। और जैसे कि लेडीज़ भी हैं बच्चे भी हैं सब जने बैठे हैं यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। भैया जो सत्संग होता है ना इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ना पूर्णमासी का दिन होता है जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संगत जो है सत्संग के काम में पहुँचने में जो है आती है और ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते हैं सत्संग के काम में लोग क्योंकि ये साल में एक बार होता है सत्संग और 5 से 6 दिन का होता है 5 दिन का भी हो जाता है कई बार 6 दिन का भी हो जाता है। तो ये इसीलिए होता है कि लोग अपने घरों से जो है अपना काम छोड़ के आए और 5 या 6 दिन जो है बिल्कुल फ्री हो के मालिक के नाम में अपना इतना ध्यान लगाएं कि जो ना किसी काम की चिंता ना घर की चिंता क्योंकि यहाँ पे ना सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं और ये इतनी बड़ी चौकी है यहाँ पे सब रहने का भी इंतज़ाम है। तो जहाँ पे भी होते हैं ना भंडारे वहीं पे ना रहने का इंतज़ाम किया जाता है जितनी भी संगत बाहर से आती है बच्चों के लिए सब सुविधाएं रहने की नहाने की व्यवस्था सब होती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि नहाओ दो खाओ पियो सब पर ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का नाम लो ध्यान लगाओ बच्चों को अच्छी शिक्षा दो बच्चों को जो है अच्छा ज्ञान समझाओ अच्छी बातें बताओ और बस के काम की चिंता नहीं होती इसलिए यहाँ पे सुबह का भोजन दोपहर का रात का भोजन सब भंडारे के भंडारे में ही मिलता है यहाँ पे। तो इसीलिए ये भंडारा होता है 5 से 6 दिन का कि जो भी संगत बाहर से आती है उनकी सब व्यवस्था हो और ज़्यादा से ज़्यादा सब मिलके मालिक का नाम ले और अच्छी बातों पे चर्चा हो यहाँ पे। तो हस्बैंड जी यहाँ पे बैठे हैं जैसे भाई दिन में अपने संगत के साथ बैठ जाते गाँव वालों के साथ तो थोड़ा बहुत बाहर भी घूम लेते हैं। एक टाइम होता है यहाँ पे जैसे सत्संग का टाइम रखा जाता है 1 बजे 2 बजे तो दिन में 2 बार भी जो है अच्छे से बैठ के सबको समझाया जाता है मालिक का नाम लिया जाता है। बाकी खाली समय में कोई किसी टाइम बैठो चौकी के अंदर सत्संग चाहे कहीं पे भी हो खाने की व्यवस्था इतनी अच्छी होती है कि रात के खाने में कई प्रकार की मिठाई अलग अलग सब्जियाँ पूरी दाल रोटी सब चीज़ होती हैं बच्चों को जो खानी है पूरी वगैरह सब्जियाँ खीर मिठाई सब होती है। अलग अलग दिन अलग अलग तरह का भोजन बनता है रात को दोपहर को संगत के हिसाब से बनता है जो बाहर की संगत आई हुई होती है उनके लिए बनता है और सुबह का ब्रेकफास्ट भी आपने देखा होगा अक्षित भी बैठा था यहाँ पर बारी बारी मिल के सब संगत जो है ऐसे ही सेवा भाव में लगती है। तो यहाँ पे हमारा बहुत मन लगता है हम भी जाते हैं फिलहाल अब की बार में जा नहीं पाई तो जब भी जाने की जब भी भंडारे होते हैं तो हम सब जाने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि एक तो पापा जी की वजह से एक ना एक बहू या बेटा उनके साथ ज़रूर जाता है क्योंकि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती
और पापा जी का जाना हर साल जरूरी होता है, पापा जी तो हमेशा जाते ही हैं भंडारे में, पर एक ना एक बच्चा जरूर जाता है उनके साथ, क्योंकि भाई बुज़ुर्ग हैं तो बच्चों का साथ जरूरी है, साथ में होना, क्योंकि तबीयत भी अप डाउन रहती है कभी कभी, इसलिए हस्बैंड जी, अक्षित, मम्मी और आदि मेरे जेठ का लड़का, तो फैमिली साथ में जाती है। वैसे हम भी जाते हैं जब भी कहीं होता है भंडारा, पिछले साल हमारे गांव में हुआ था, वहीं प्रेस हो गया, यहीं पे हस्बैंड जी के भंडारे से खाली करके दे रहे हैं अटैची, अक्षित के हैं, हस्बैंड जी के हैं, क्योंकि मेरे बस की तो इतनी हिम्मत है नहीं, पर इन पे दाग दूग लगे रहते हैं सब्जी वगैरह के, तो अच्छे से धो के इनको रख देंगे, क्योंकि एक बार ये तो मेहनत जरूरी है, बाकी तो हम वैसे तो घर पे ही धो लेते हैं, एक बार ये क्लीन हो जाएंगे, क्यों वहाँ जैसे भंडारे में खाने खुने का कभी काम हुआ है ना, तो सब्जी वब्जी लग जाओ और कुछ भी दाग दूग लग रहा हो तो सब वे ही करेंगे। हस्बैंड जी अपने सूटकेस खाली कर रहे हैं, कलर्ड कपड़े हैं वे हम अपनी मशीन में लगा देंगे, बस ये देखो देखो सब्जी के दाग लग रहे हैं, ये सब वहीं धुलका होंगे, जाओ लो जी, ये तो हैं प्रेस के कपड़े, उस दिन के हमने दिए ही नहीं थे, हमारे हैं ये सारे, और हस्बैंड जी ये धोने वाले दे रहे हैं, देख आ रहे हैं अभी, क्योंकि हमने कल चाहिएंगे सुबह ही कपड़े प्रेस वाले, नहीं तो वो भैया शाम को ले जाते हैं आके, अब वो करके रख देंगी प्रेस, इसलिए अभी भिजवा रही हूँ कि सुबह सुबह मिल जाएंगे, हम सुबह सुबह कल कहीं जाएंगे, मेरे कई सूट इसी में पड़े हैं पहनने के, इतने ज़्यादा तो आते नहीं हैं, जो कंफर्टेबल है वे सारे इसमें ही रखे हैं। लो पकड़ो, अपने 10-10 की गड्डी से ना हम सबको ट्रफल खिला देना, एक ट्रीट दे दो ना हमें अच्छी सी, ठीक है दे दोगी? तो कनु हमें देने वाली है ट्रीट आज, जैसे कि हमने रिकॉर्ड कर लिया ये है ना जानू, अगर ये नहीं देगी तो हम इसे ये रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, फिर हम कहेंगे इसे झूठी मक्कार, ठीक है शानू देखो इधर, हेलो कर दो, मैं ऐसे कर दो, एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद तब आ गए हम गोलगप्पे खाने, ये मौसी कन्नू मजे करती हुई, तो ये खा रहा है अक्षत गोलगप्पे, ज्योति मौसी, पूजा मौसी और कन्नू, अच्छे लग रहे हैं कन्नू, मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं आ रहा, जब मन नहीं होता तो मेरा गोलगप्पे खाने का भी, लूडो ले ले, लूडो लूडो लूडो, हम लूडो भी लाए, तुम सबके लिए, चार जने ही तो खेलेंगे, खेलोगी तुम? चलो देख खाना खान का स्टाइल देख, कुछ असर नहीं हो रहा ना, कुछ 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 असर नहीं हो रहा, बंद कर इसे फोन को, चौबीस घंटे फोन दे इधर मेरे ते, बैठ तमीज से वहां पे, पलौथी मार ले, पलौथी मार ले, रोटी खाती है ना फोन ना दिखाया कर, अब मुद्दी पड़ी खान लाग रही है, अरे ना ठूसन लाग रही है न्यू, इसा खाने के क्या फायदा होया, इस तरह इसके आगे कर थाली, रोटी खा ले शानू, बन गई दाल रोटी, ले ले अभी तो नहीं बनी, मैगी नहीं बनी,
दाल रोटी खानी है, ठीक है? अपने आप लेकर खाया करो। रात के डिनर की तैयारी हो रही है भाई, सब खा रहे हैं खाना रात को। आज हमने सिंपल दाल रोटी और करेला है, कटहल की सब्जी हमने जो बना के रखी थी पिछले व्लॉग में दिखाया था, जिसको जो खाना है वो खाओ। और मम्मी यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रही हैं, पापा जी भी सिंपल खाना खाएंगे अब, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ऑयली चला भंडारे में, पूरियाँ पकौड़ी या जो भी है तो अब सब सिंपल खाएँगे। रजत भी आ गया खाना खाने के लिए, बस एक दो दिन और पूजा अब जाएगी घर अपने। रजत वैसे आ जाता है हमारे पास, हम बुला लेते हैं फ़ोन करके, यहीं खा लिया कर खाना, कोई ज़्यादा दूर थोड़ी हमारा घर, देवर भी है और रिश्ते में अब मेरे तो दो दो रिश्ते बन गए हैं। ये देखो डिब्बा लेके आई है लंच वगैरह, क्योंकि शानू की तैयारी करनी है ना स्कूल की। कुछ डाल दूंगी, एक में ड्राई फ्रूट डाल दे, एक में सब्जी डाल दे, ना फ्रूट डाल दे, एक में रोटी डाल दे, एक में रोटी, एक में सब्जी, और एक मतलब एक में फ्रूट और एक में। गाड़ी चालक गाड़ी सीख रहे हैं, बैक करनी, बांस आवे गाड़ी में तो तेल फूंक दिया गणा, जलन की बदबू आवे क्या की, पीछे पीछे लेगी 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 पीछे। गाड़ी सीखे हैं, ड्राइवर हो रहे घर के, सारे ड्राइवर हो जाएंगे तो पाछो कौन बैठेगा। लो जी सीख लो सीख लो। चलो ना रील, क्यों रील बनानी थी, रील बनानी थी अंदर, एक मैं कपड़े चेंज कर लूंगी, आ जाओ ना, बिगे रहने दो, कोई बात नहीं, बिगे हो गया फिर धो लियो एक, मैं आराम कर लूंगी रील बना के। ये अम्मी हमारी हाँ जी दोस्तों, हस्बैंड जी आते ही ना अपने काम पे लग गए, सुबह आते ही सबसे पहले गए थे खेत में, इन्होंने अपने गेहूं वगैरह देखे जाके, उसके बाद डेयरी का काम देखा और भी काम देखा। अब देखा कि गाड़ी भी सड़ी पड़ी, क्योंकि ये आए हैं एक हफ्ते से ऊपर में, और गाड़ी में भी काफ़ी डस्ट हो गई थी, तो अब ज्योति की भी धोएंगे, क्योंकि धूल मिट्टी जम गई थी, तो एक एक करके दोनों गाड़ियाँ धोएंगे बैक करके, फिर उसके बाद भाई अपना और भी काम निपटाएंगे। थोड़े मम्मी पापा के कपड़े हैं उनको धोएंगे, क्योंकि मेरे से तो ज़्यादा झुका नहीं जाता। कुछ कपड़े हमने सेमी मशीन में लगा रहे हैं और कुछ वैसे ऑटोमेटिक में, तो अब मम्मी पापा की सेवा तो हस्बैंड जी और मैं ही करते हैं फिलहाल। तो अब मम्मी की तबीयत भी थोड़ा ठीक सी नहीं है, तो कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब रात का टाइम अपना है, किसी भी टाइम काम करो, काम करने में कोई शर्म नहीं है। जब मैं हस्बैंड जी का काम करवाती थी मेरी तबीयत ठीक थी, फिलहाल तो अभी मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, नहीं तो मैंने अपने गेयर में भी काम करवाया, डेयरी में भी, और जब हस्बैंड जी नहीं होते तो मैं काफ़ी हेल्प करती थी। अभी फ़िलहाल मेरा काम बंद है, नहीं तो मैं अपना सब काम भी देखती हूँ, और हस्बैंड जी भी मेरा काम करवा देते हैं कई बार, जैसे कि किचन में भी अगर ज़्यादा गेस्ट आ जाएँ या लेट हो रहे हैं तो काम करवा देते हैं। यहाँ पर देखो साइकिल में हवा कम थी शानू की, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया, कोई हवा भरवा के ही नहीं ला रहा था, क्योंकि अक्षित भी गया हुआ था, वैसे तो अक्षित भरवा लाता है। अब इसकी साइकिल को तैयार करेंगे, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, बच्चे सब साइकिलिंग करेंगे छुट्टियों में, घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे। तो भाई मेरा व्लॉग कैसा लगे आप सभी को बताना।